हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि अधिकतर किराना दुकान 2000 महीने बाद बंद हो जाती है। तो क्योंकि जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे आगे कई दुकानें खुली और कई बंद हो गई। क्या कारण होते हैं जो किराना दुकान अधिकतर बंद हो जाते हैं, दुकानदार चला नहीं पाता है या फिर कस्टमर नहीं आते हैं, किन गलतियों की वजह से बंद हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या गलतियाँ होती हैं कि अक्सर किराना दुकान बंद हो जाती हैं। देखिए, जब भी आप किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर देखता है कि दुकानदार कैसा है। 5 से 6 महीने लग जाता है कस्टमर को देखने में कि ये दुकानदार कैसा है। अगर आप दुकान मार्केट में किए हो या फिर गांव में किए हो, अगर आपकी दुकान टाइम पर नहीं खुलती है तो अक्सर इससे भी कस्टमर कटने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये दुकान बराबर खुलती नहीं है। अगर आपके बगल में कोई दुकान नहीं है तो मान सकता हूँ कि आपकी दुकान चलेगी, बट अगर आपके बगल में कोई दुकान है और आपकी दुकान बराबर खुलती नहीं है, टाइम पर खुलती नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है दुकान पर समय देना। क्योंकि अगर आप दुकान पर समय नहीं देंगे, कस्टमर ये सब देखता है कि दुकान बराबर खुल रही है नहीं खुल रही है, ये चीज़ देखता है। और दूसरी बात क्या होता है कि कस्टमर ये देखता है कि दुकानदार कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका बातचीत कैसा है, कि इस दुकानदार के यहाँ सामान सस्ता मिलता है या महंगा मिलता है ना। क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है, अगर आपकी दुकान पर आएगा, सबसे पहले रेट पूछता है, ये सामान कौन से रेट में है, वो सामान कौन से रेट में है। सामान लेगा 2-6 प्रोडक्ट का रेट पूछता है, यानी कि उसको पता है कि कौन सा सामान खरीदने का है मार्केट में। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप सामान महंगा देते हैं या सस्ता देते हैं, किस रेट में देते हैं। अगर आप मार्केट से सामान 1 रुपया सस्ता देते हैं तो कस्टमर ये पकड़ता है कि इसके यहाँ सामान सस्ता है या महंगा है। अगर आप सामान 1 रुपया सस्ता देते हैं मार्केट से तो आपकी दुकान चलेगी, क्योंकि कस्टमर ये देखता है कि इसके यहाँ सामान महंगा या सस्ता है। अगर 1 रुपया सस्ता होता है फिर भी कस्टमर आपके यहाँ भागते हुए आएगा, क्योंकि देखिए कस्टमर 1-1 रुपये देखता है, जहाँ पर उसको सस्ता सामान मिलता है वो वहीं पे जाता है। तो 110% है इससे कस्टमर बढ़ते हैं और कस्टमर बनते हैं इस चीज़ से। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे दुकान अक्सर बंद हो जाती है, देखिए जब आप किराना स्टोर दुकान ओपन करते हैं तो दुकान शुरू करते ही कस्टमर कई तरह के कस्टमर होते हैं, है ना। कोई बाहरी कस्टमर होगा, कोई आपके अगल बगल का कस्टमर होगा, है ना, आपकी दुकान पे आता है। और कस्टमर अक्सर जब दुकान ओपन होती है, चाहे वो किराना शॉप हो या फिर कॉस्मेटिक की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, जब दुकान शुरू होती है ना, तो जब नई दुकान होती है तो कस्टमर अक्सर आते हैं आपकी दुकान पर, क्योंकि उनको ये पता है कि दुकान नई खुली है, सामान सस्ता मिलेगा। सारा खेल वहीं पर, अगर आप शुरू से ही 1 रुपया सामान डाउन करके देंगे ना तो कस्टमर बनते ही जाएंगे। देखिए लोग ऐसा भी करते हैं कि नई दुकान शुरू करते हैं, शुरू में सामान सस्ता देते हैं, फिर उसके बाद क्या करने लगते हैं, फिर महंगा देने लगते हैं, तो कस्टमर टूटने लगते हैं। तो जैसे कि मार्केट में अगर 42 है, अगर आप 41 दे रहे हैं तो इससे क्या होता है, कस्टमर 1 रुपये देखता है कि भाई वहाँ पे वो दुकानदार सामान सस्ता देता है, उसके यहाँ ये सामान इतने का है, ये दुकानदार 41 में देता है और मार्केट में 42 में देते हैं, तो मार्केट जाएगा नहीं, आपसे ही लेगा। क्योंकि देखिए यहीं पर आप देखिए कि जो कस्टमर होता है आपसे जुड़ते चले जाएगा। आप जब भी दुकान ओपन करें, जैसे कि कस्टमर को भी लगता है कि नई दुकान है तो सामान सस्ता मिलेगा, तो अगर आप सामान सस्ता दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 रुपये कम करके दे दो, आप मार्केट से 1 रुपये डाउन करके देंगे ना तो कस्टमर बनते चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट की बात, मैंने बहुत से ऐसे किराना दुकान देखा है कि जो 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं, अगर 1 रुपये होगा 2 रुपये होगा उससे कस्टमर से मांग करते हैं, भाई हमें 1 रुपये दो 2 रुपये दो, है ना। उसे क्या होता है, बोलता भाई नहीं है बाद में ले लेना, तो दुकानदार क्या बोलता है, देखिए कस्टमर जो होता है ना अपनी 2 रुपये नहीं छोड़ेगा 1 रुपये, बट जो दुकानदार होता है ना उसको 1 रुपये छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको बिजनेस करना है और उस बिजनेस को बढ़ाना है। तो जो दुकानदार होता है बड़े शर्म से 1-2 रुपये नहीं मांगता, लेकिन जो नए किराना दुकानदार होते हैं, शुरू में दुकान शुरू करते हैं, है ना, उनको ये पता नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो नए किराना दुकानदार होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपको 1-2 रुपये छोड़ना पड़ता है इसलिए कि हमको कस्टमर बनाना है, अगली बार नहीं तो अगली बार से ले लेंगे। ये देखिए ये बनिए का फंटा होता है कि किस तरह आपको एडजस्ट करना है। तो देखिए कस्टमर ये देखता है कि दुकानदार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, सबसे अहम चीज़ यही होता है कि आपका व्यवहार, अगर आपका व्यवहार अच्छा होता है तो उसी पे डिपेंड होता है आपकी दुकान की सेल। क्योंकि देखिए आपको कस्टमर पहचानने में 2 से 3 महीने लग जाएगा, और 2 से 3 महीने में आप जान जाएंगे कि ये कस्टमर आने वाला है और ये कस्टमर जाने वाला है, ये कस्टमर देखे जाने वाला है और ये कस्टमर लेके जाने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे 1-2 रुपये, क्योंकि देखिए यही 1-2 रुपये से दुकान टूटती है। तो कोई भी कस्टमर आया, भाई 1 रुपये नहीं है, कोई बात नहीं भाई अगली बार दे देना, है ना। क्योंकि देखिए आप बिजनेसमैन हो, आपको एडजस्ट करना है, आपको कस्टमर पहचानना है, और आपको किस तरह एडजस्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए वो कोई भी कस्टमर हो गया, जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि
कस्टमर अपना 1 रुपया और 2 रुपये नहीं छोड़ता। उसको याद रहता है कि हमारा 1 रुपया दुकानदार के पास है, वो 2 रुपये और 1 रुपये लेने के लिए आ जाएगा या फिर सामान लेने आएगा, उसको आपको चेतावनी दे देगा कि भाई हमारा आपके पास 1 रुपया था। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते अगर बिजनेस चलाना है तो। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।